नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। हमारा जो चैनल है आपको रेगुलर क्लासेस अवेलेबल कराता है। आपको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और जेएनएम से रिलेवेंट आपको जो भी स्टडी कंटेंट है वो हम आपको यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आगे जो है वो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, जो अपना टॉपिक वो हम लोग जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। और जेनेटिक्स में जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है कॉन्सिग्युनिटी एटोपी। हम लोग आज स्टडी करेंगे कॉन्सिग्युनिटी एटोपी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे जो वीडियोज़ हैं उनका अपडेशन रेगुलरली मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कॉन्सिग्युनिटी जो है वर्ड है वो कॉन्सिग्युनिटी वर्ड आपके दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे दो लैटिन वर्ड है, एक तो कौन है और एक सिंगवस है। एक कौन सा आपके सिंगवस वर्ड है। तो कॉन्सिग्युनिटी का मतलब ये होता है, कौन का मीन्स टू शेयर एंड सेंग्विनस का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे शेयर्ड ब्लड इसका मतलब निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमारे रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है। अब कॉन्सिग्युनिटी जो वर्ड है वो कॉन्सिग्युनिटी वर्ड प्रॉपरली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जब हम यहाँ पे जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में हम लोग ये कहेंगे कि जो आपके फर्टिलाइजेशन होता हो, फर्टिलाइजेशन के लिए आपके जो एग और जो स्पर्म है उनका मिलना जरूरी होता है। तो वो कहाँ से, हस्बैंड और वाइफ के होंगे, जो मेल और फीमेल के जो यहाँ पे आएंगे, जो एग और जो स्पर्म आएगा वो आपके मेल और फीमेल के जो आएंगे उनसे यहाँ पे डिसाइड होगा कि कॉन्सिग्युनिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सिग्युनिटी का मतलब एक सिंपल सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो कॉन्सिग्युनिटी का मतलब ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ जब क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिग्युनिटी के नाम से जानते हैं। और उनकी जो संतति होती है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स बनती है, उनके अंदर कॉन्सिग्युनिटी एटोपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिग्युनिटी एटोपी के नाम से जानते हैं, कि जब हस्बैंड और वाइफ क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिग्युनस रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, कॉन्सिग्युनिटी एटोपी कहलाती है। अब हमारे इंडिया के अंदर कॉन्सिग्युनिटी जो है वो कॉन्सिग्युनिटी मैरिजेस जो हैं उनके जो कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर, लाइक दैट मुस्लिम्स के अंदर और जो साउथ इंडियन कुछ साउथ इंडियन हिंदूज़ के अंदर भी इस तरह की जो कॉन्सिग्युनस मैरिजेस हैं उनको कंडक्ट कराया जाता है, उनका प्रिवलेंस जो है वो पाया जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों के अंदर इस तरह की जो डिजीज़ कंडीशन है वो डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक ट्रांसमिशन डिजीजेस के होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो एटोपी जो होती है, एटोपी एक्चुअली आपके क्या है, एटोपी एक आपके एलर्जिक रिएक्शन है जो किसके ट्रांसमिशन से बन रही है, यहाँ पे शेयर्ड ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से यहाँ पे बन रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रॉपरली एटोपी क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो कॉन्सिग्युनिटी एटोपी क्या है, आपके जो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके अंदर जेनेटिक डिफॉर्मिटी के रूप में एलर्जिक रिएक्शन जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्सिग्युनिटी एटोपी के नाम से जानते हैं। मैंने कॉन्सिग्युनिटी वर्ड को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया कि क्या होता है, किस तरह से हम लोग ये बनता है। तो कॉन्सिग्युनिटी जो है वो कॉन्सिग्युनिटी का जो एस्पेक्ट है, जो जेनेटिक एस्पेक्ट है, वो किस तरह से फॉर्मुलेट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कॉन्सिग्युनिटी के, और उसके बाद में जो रोल ऑफ नर्स है वो क्या क्या हो सकती है। आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेनेटिक्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और शॉर्ट नोट डेफिनेटली इसके अंदर से पूछा जाता है, मोस्ट फेवरेट आपके ये एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कॉन्सिग्युनिटी एटोपी। तो आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कॉन्सिग्युनिटी वर्ड समझ में आ गया तो आप आगे की जो प्रोसेस है उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कॉन्सिग्युनिटी एटोपी क्या है। कॉन्सिग्युनिटी का मतलब है कि जो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच में जब मैरिजेस कंडक्ट कराई जाती है तो उसको हम लोग कॉन्सिग्युनिटी बोलते हैं, और उनकी वजह से अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिग्युनिटी एटोपी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, अगर इस कॉन्सिग्युनिटी एटोपी की अगर हम बात करें तो इसका जो जेनेटिक एस्पेक्ट है, जेनेटिक बेस है, वो कैसा है उसको अगर हम लोग डिस्कशन करें तो जेनेटिक बेस हम इसका देखते हैं कि जेनेटिक बेस इसका क्या है। अगर हम कॉन्सिग्युनिटी के आधार पे अगर हम लोग रिलेशनशिप्स को डिवाइड करना चाहें तो रिलेशनशिप्स को हम क्या कर सकते हैं, तीन डिग्रीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेशन,
सेकेंड डिग्री रिलेशन एंड थर्ड डिग्री रिलेशन। कहने का मतलब ये कि जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर मान लो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में अगर मैरिजेस हो रही हैं, तो उनके अंदर जेनेटिक जो फॉर्मेशन है, वो जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चांस ट्रांसफर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम किस पीढ़ी के अंदर किस रिलेशनशिप में कितना ट्रांसफर होगा, इसके आधार पे हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और उसके आधार पे देखेंगे कि जो पर्संस हैं उन पर्संस के अंदर अगर मान लो किस पीढ़ी के पर्संस की किसके साथ में शादी होती है, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि उनके अंदर जेनेटिक सेम जीन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप की। फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप से पहले मैं आपको बताऊं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो जीन होते हैं उन जीन्स के सिमिलरिटी के कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 100% चांसेस बनते हैं, 100% चांसेस हैं कि जो जीन है वो जीन क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस के सेम होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस के क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसको उसके अंदर क्या होता है, वो फर्स्ट डिग्री के अंदर नहीं आता, ये उससे भी सुपीरियर आता है, इसको हम जीरो डिग्री के नाम से भी हम लोग कई बार इसको बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, 100% चांसेस होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कि उनकी जो जेनेटिक फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट डिग्री रिलेशन की। फर्स्ट डिग्री जो रिलेशन होता है, हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के आधार पे कितने परसेंट जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं अगर ब्लड रिलेटिव्स हैं तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशनशिप्स आते हैं, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया, पहला हमने आइडेंटिकल ट्विन बताया था, तो उसमें तो 100% चांसेस है। उसके बाद में जो आते हैं, जैसे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ब्रदर या सिस्टर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रंस होते हैं, मीन्स कि अगर मान लो ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक ही फादर के जो डॉटर और सन है, अगर वो शादी करते हैं तो उस कंडीशन में, या डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं तो उस कंडीशन में, या फिर पेरेंट्स या टीचर पेरेंट या फिर जो आपके स्टूडेंट जो आपके चिल्ड्रन है उसके बीच में अगर जो मैरिजेज होती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 50% जो जीन है वो 50% जीन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये जो रिलेशनशिप कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप कहलाता है। और इसके आधार पे 50% जो है वो सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे जो है वो डिजीज होने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप की। सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप किसको बोलेंगे, जो अंकल्स और आंट्स हैं, कि जो अंकल और आंटी के होते हैं, या भाई या भतीजा होता है, या फिर सोतेला भाई या बहन होता है, उनके अंदर उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है, और उनकी जो संतान होगी उनके बीच में 25% जीन जो होंगे वो समान होंगे, 25% जीन समान होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई जो अंकल और आंट्स हैं, कि अंकल और आंटी के साथ में किसी की शादी कर दी जाए, या फिर भतीजे के साथ में, या फिर भतीजी के साथ में कोई शादी कर लेता है, या फिर यहाँ पे हम हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर के नाम से इसको कॉल करते हैं, तो जिसको सोतेला भाई या फिर सोतेली बहन के नाम से बोलते हैं, जहाँ पे सिंगल पेरेंट सेम होगा, कि मान लो एक एक पर्सन है, उसने दो शादी कर रखी है, तो वहाँ पे दो शादी कर रखी है, तो जो फादर है वो सेम है, बट मदर है वो अलग अलग है, और उनकी जो संतान है उनके आपस में अगर वो शादी कर लेती हैं, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो भी कॉन्सिग्निटी के अंडर में आती है, और वो जो रिलेशनशिप होगा वो सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप होगा, और उसके अंदर चांसेस हैं कि 25% जीन जो है उसकी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर सेम होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड डिग्री रिलेशनशिप की। थर्ड डिग्री जो रिलेशन होता है, उस थर्ड डिग्री रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे चचेरा भाई है, और आपके जैसे हाफ जो अंकल और आंट होते हैं, अंकल और आंटी जैसे मान लो सेम है, मौसा या मौसी के आप रिलेशनशिप में मान सकते हो, या फिर जो आपके जो भाई या भतीजा वगैरह है वो किसी क्या हो सकता है, वो उनका आपके पेरेंट्स है वो सेम रहे हुए हैं, तो वहाँ पे जो होते हैं वो आपके 12.5% जो है वो जीन सेम होने के चांसेस बनते हैं। इसमें मैंने बताया आपको 50% चांसेस होते हैं, इसमें आपके 25% सेम जीन होते हैं, और जो आपके थर्ड डिग्री रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है, 12.5% जीन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये आपके हमने बताई बात की यहाँ पे कि कॉन्सिग्निटी जो होती है उसके अंदर जेनेटिक आस्पेक्ट इसका क्या है, जीन जो होते हैं वो किस तरह से कितने ट्रांसफर होते हैं। फर्स्ट डिग्री में हमने बताया कि 50% के चांसेस होते हैं, जहाँ पे
जहां पे हमने बताया कि जैसे डाइजाइगोटिक ट्विन है उनके अंदर, या फिर सेम मदर और फादर के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो 50% चांसेस होंगे, या फिर जो जो सेम एक एक ही जो कह सकते हैं एक ही पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके अंदर, जो एक ही मदर और फादर के बच्चे हैं उनके अंदर, या फिर डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं उनके अंदर ये सेम होगा, या फिर पेरेंट्स, या फिर पेरेंट्स उनके चिल्ड्रंस होते हैं अगर उनके बीच में भी मैरिज होती है तो उसके अंदर भी 50% चांसेस होते हैं कि उनके जीन जो होंगे वो सेम होंगे। सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप जो है उसके अंदर 25% होता है। इसके अंदर हमने कहा कि जैसे सौतेला भाई सौतेली बहन, या फिर आपका भतीजा हो सकता है, या फिर आपका भतीजे हो सकती है, या अंकल्स और आंट्स के जो है रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो वो आपके 25% यहाँ पे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में थर्ड डिग्री रिलेशनशिप में जिसके अंदर आपके क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको हाफ हाफ अंकल्स और हाफ सिस्टर्स, मीन्स कि जहाँ पे क्या होगा कि आपके मौसी या मौसा, मतलब एक जो जनरेशन है वो तो क्या है आपकी, मतलब आपकी मदर और आपकी मौसी जो है वो तो दोनों सिस्टर्स हैं, और वहाँ जो आपके मौसा हैं वो क्या है दूसरी जनरेशन से, दूसरी पीढ़ी से, तो उनका ये क्या होगा आपका हाफ अंकल्स या हाफ आंट्स के अंदर आता है। इस तरह के जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर 12.5% चांसेस क्या होते हैं सेम जीन होने के होते हैं। और इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो मैरिजेस होती हैं, जो आपके जो हम कॉन्सिक्यूटिव मैरिजेस के अंदर रखते हैं, उसमें आपके ये वाली रिलेशनशिप आता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो हमने कुछ हम आपको बताऊं कि कुछ कुछ कम्युनिटीज में जैसे मुस्लिम्स वगैरह हो गए, या फिर कुछ साउथ इंडियन हिंदूज होते हैं, उनके अंदर कॉन्सिक्यूटिव जो मैरिजेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो वो इसके अंडर में सबसे ज़्यादा होती हैं। जो आपके थर्ड डिग्री रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम कजिन्स वगैरह कह सकते हैं, चचेरा भाई वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये जो पीढ़ी है इस पीढ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा मैरिजेज होती हैं, कॉन्सिक्यूटिव मैरिजेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। अब हम आपको बताएं कि जो आपके कॉन्सिक्यूटिव मैरिजेज होती हैं उस कॉन्सिक्यूटिव मैरिजेज से जो होती है उनके अंदर आपके जो रिस्क होती है वो आपके जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, एक्स लिंक जो डिसऑर्डर्स थे वो हमने स्टडी करे थे, तो यहाँ पे जो रिस्क होती है डिजीज की, जो डिसऑर्डर्स की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो रिस्क होती है वो कॉन्सिक्यूटिव मैरिजेस के अंदर ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जनरली 2-3% चांसेस होते हैं जेनेटिक डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होने के, मीन्स 100 अगर कोई मेरिड कपल्स हैं, 100 कपल्स हैं, तो उनके 100 में से 2-3% ऐसे चिल्ड्रंस हो सकते हैं जिनके अंदर क्या हो सकती है जेनेटिक डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस हो सकती है। बट कॉन्सिग्निटी अगर मान लो मैरिज है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5-6% के ऊपर चला जाएगा। मीन्स 100 में से अगर 100 अगर कॉन्सिग्निटी कपल्स हैं तो उसके अंदर से 5-6 जो बच्चे होंगे उनके अंदर जो है वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये हमने यहाँ तक स्टडी करा आपके कि कॉन्सिग्निटी क्या होती है, जेनेटिक इसका बेस क्या होता है, किस तरह से जेनेटिक्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलेशनशिप की क्या क्या डिग्रीज होती है जिनके बीच में हम लोग कॉन्सिग्निटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद में हम लोग इसकी बात करते हैं इफेक्ट्स की बात करते हैं, इफेक्ट्स की जो कॉन्सिग्निटी जो मैरिजेज होती हैं उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए कि कॉन्सिग्निटी जो मैरिजेज होते हैं उसके कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो फायदे हो रहे हैं उसको तो हम लोग किस में रखेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर रखेंगे, और जो नुकसान हो रहे हैं उसको हम किस में रखेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर मेंशन करेंगे। तो देखिए पॉजिटिविटी क्या हो सकती है यहाँ पे कि सेम अगर इसका जो बेस होता है, जो रीज़न होता है कॉन्सिग्निटी मैरिजेस का, ये वो ये होता है कि हर जो कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी ये चाहती है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो ट्रेट है वो ट्रेट बना रहे, हम आगे भी इसी तरह के जो फैमिलियर फीचर्स हैं वो फैमिलियर फीचर्स जो है वो बने रहे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार ये होता है कि जो कॉन्सिग्निटी मैरिजेस होती हैं उससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो आपके अच्छे जो आपके गुण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं आपकी पीढ़ी के अंदर, वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी को जाने के चांसेस बनते हैं, सुपीरियरिटी जो होती है उसके अंदर वो आने के चांसेस बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे कोई पीढ़ी है उसके अंदर कोई किसी पर्टिकुलरली चीज़ को लेके कोई इंटेलिजेंसी उस पर्सन के अंदर है, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि नेक्स्ट अगर मान लो उनके अंदर कॉन्सिग्निटी मैरिजेस हुई है तो जो जीन्स हैं वो जीन्स की मैच करने से नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर उससे भी ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म के अंदर इंटेलिजेंसी आने के चांसेस बनते हैं। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये होता है, जो एक मात्र इसका फायदा है कि सुपीरियरिटी होने के चांसेस बनते हैं। पॉजिटिविटी में यही हम बताएंगे
कि सुपीरियरिटी होने के चांसेस बनते हैं, चांसेस ये होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो ज्यादा सुपीरियर हो सकती है। नेगेटिविटी क्या है, जो इसके इफेक्ट है वो ज्यादा, मैंने अभी भी डिस्कशन किया कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं, रिस्क जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पे जीन जो होंगे वो सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से जो क्रॉसिंग करने के बाद में हो सकता है कि सेम जीन जो होंगे ट्रांसफर होते रहेंगे, तो जो डिफॉर्मिटी और जो डिफॉर्मिटी के चांसेस होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, तो ये नेगेटिव इफेक्ट इसका होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके दो इफेक्ट बताते हैं, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट और एक दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया, इससे क्या होता है, सुपीरियरिटी बनती है। नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, इसके अंदर चांसेस बनते हैं कि डिफॉर्मिटीज जो है वो ज्यादा होने के चांसेस बनते हैं। मान लो किसी पीढ़ी के अंदर कोई इडियट है, या मान लो कोई शॉर्ट स्टेचर्ड पर्सन है, और वो आपस में ही जो है वो अपने चचेरे भाई बहन से शादियां कर रहे हैं, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनकी हाइट जो है, उनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। तो ये जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट भी यहां पे बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की, जो कॉन्सिग्निटी जो है, उस कॉन्सिग्निटी के अंदर नर्स का क्या रोल हो सकता है यहां पे। ठीक है, अब तक जो हमने स्टडी किया वो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है रोल ऑफ नर्स की, कॉन्सिग्निटी जो एटोपी है उसके अंदर नर्स का क्या रोल हो सकता है, नर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे फर्स्ट वन, तो नर्स को क्या होना चाहिए, हमेशा जो कॉन्सिग्निटी मैरिजेस होती हैं वो क्या होती हैं कि उनको थोड़ा सा सही तरीके से, सही नजरिए से नहीं देखा जाता है। तो हमें हमेशा क्या रहता है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, हमेशा एज ए नर्स हमारे को नॉन जजमेंटल एटीट्यूड उस कपल के लिए शो करना है जो क्या है, कॉन्सिग्नस रिलेशनशिप के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि हम अगर हमने जजमेंटल एटीट्यूड वहां पे प्रेजेंट किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के अगेंस्ट में हम लोग हमारी गलत धारणा रख रहे हैं, जो हम, क्योंकि हमारे आईपीआर में, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो हमारे इथिकल कोड ऑफ बने हुए हैं, जो हमारे प्रैक्टिस के इथिकल कोड बने हुए हैं, उसके अंदर इसको प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया जाता है कि हम इस तरह की हम जजमेंटल एटीट्यूड शो करें। तो हमारे को हमेशा इस तरह के जो रिलेशनशिप में रह रहे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में हमारे को नॉन जजमेंटल एटीट्यूड हमेशा शो करना है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन जो है वो प्लानिंग कर रहा है फॉर द कॉन्सिग्नस मैरिज, अपने क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, प्री मैरिटल जेनेटिकल काउंसलिंग के लिए आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी जेनेटिक जो टेस्टिंग है वो करते हैं, और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस जीन, इस ये जो संतति है, इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आएगी उसके अंदर कोई डिजीज है वो होगी या नहीं होगी। तो ये सेकंड इसका है, प्री मैरिटल जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पर्संस को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे तीसरा, तो वो क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्री कॉन्सेप्शनल स्क्रीनिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। प्री कॉन्सेप्शनल स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि कॉन्सेप्शन से पहले हम लोग कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं जो इस तरह की मैरिजेस वगैरह जो है वो कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर जो इस तरह की जो मैरिजेस से जो बच्चे हो रहे होते हैं उनके अंदर जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस हमने बताया कि ज़्यादा होते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं देना है कि पेरेंट्स जो है उन पेरेंट्स की वजह से आप लोगों ने इस तरह से शादी करी, आपने क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज करी, इस वजह से आपको ये बच्चा जो है वो इस तरह का पैदा हुआ है। तो इस तरह का जो हमारे को एटीट्यूड जो है वो हमारे को शो नहीं करना है। बच्चे की जो बीमारी है उसके लिए हमें पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को कभी भी दोष नहीं देना है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन भी अरेंज कर सकते हैं। एजुकेशनल किस तरह से, जो ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की मैरिजेज जो कंडक्ट कराई जाते हैं, जैसा हमने बताया कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में और कुछ जो साउथ इंडियन हिंदूज़ हैं उनके अंदर भी इस तरह की कॉन्सिग्निटी मैरिजेज कंडक्ट कराई जाती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन कम्युनिटीज़ के अंदर पर्टिकुलरली कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करा के जो थर्ड डिग्री रिलेशनशिप है, उस थर्ड डिग्री रिलेशनशिप को अवॉइड करने के बाद में हम लोग उनको मैरिज के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करें। थोड़ा उससे क्या होगा कि जो आपकी जीन है उस जीन के अंदर क्या होगा, बेटर एनहांसमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कुछ नर्स का रोल होता है, जो नर्स क्या कर सकती है, जेनेटिक इस जो जेनेटिक जो आपकी डिफॉर्मिटी है जो कॉन्सिग्निटी एटोपी के अंदर आता है उसके अंदर नर्स रोल प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि कॉन्सिग्निटी एटोपी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया
ये दो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है। जेनेटिक एस्पेक्ट हमने इसके डिस्कशन किया कि जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप के आधार पर हम लोग जेनेटिक सिमिलरिटी कितनी परसेंट हो सकती है किसी जीन किसी ऑफ स्प्रिंग के अंदर उसका हमने डिस्कशन किया। हमने तीन डिग्रीज के अंदर डिवाइड किया, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में डिवाइड किया। उसके बाद में हमने बताया कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कॉन्सिग्युनिटी एटोपी के, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद हमने रोल ऑफ नर्स बताया कि जो नर्स होती है उस नर्स का क्या रोल होता है कॉन्सिग्युनिटी एटोपी में। इसके साथ में आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको वीडियो को पूरा देखा होगा आई होप सो, अगर नहीं देखा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें और उनके साथ में इसको शेयर करके उनको भी कहें कि इसको जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसको बार बार पूछा जाता है। इसके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इसके नोट्स भी आप अवेलेबल कर सकते हैं खुद के लिए। तो आप हमारे वीडियोस को इसी तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।